दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल को कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6 हजार रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है और लोकल वेंडर एक बड़ी कंपनी को भेज देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी उसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तिरुपति बालाजी मंदिर, जहाँ पर हर साल काफी लोग अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रक के द्वारा एक कंपनी आसाम में 126 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। अब जिस कंपनी ने खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंपनी में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है और चाइना भी इन बालों से बिग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस क्या आप इससे पहले यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपका मोबाइल पानी से बिग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वालों को ना भी बताएं तो भी उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। उसके पीछे का रीजन यह है कि मोबाइल में व्हाइट कलर का वाटर इंडिकेटर लगा होता है, जो कि पानी के संपर्क में आते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिसे उससे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है, आप चाहे बताएं या ना बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल के पानी से भीगते ही आप उसे स्विच ऑन ना करें और ना ही उसे पंखे के आगे रखें। अगर आप मॉइस्चर को सुखाना ही चाहते हैं तो आप उसे चावल के पैकेट में रख दें, क्योंकि चावल में मॉइस्चर को सुखाने की प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपका मोबाइल बच सकता है। यह दोनों फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।